हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल रेनवाल जयपुर। वी आर स्टडिंग द टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इन द लास्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 4, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल्स रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन विच फर्स्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड विच इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज का जो क्लास है वो इसके सेकंड पार्ट के ऊपर है, जैसा कि हेडिंग डला हुआ है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारे पास कि सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन में जो कार्बन कंपाउंड है उनको हम सबसे पहले अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से ट्रीट कराते हैं। एक इंटरमीडिएट बनता है, उसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल के जाता है तो वो एलिमिनेट होता है और एक हमारा जो है प्रोडक्ट बन के आता है। तो दो तरह की केमिकल रिएक्शन हमको यहाँ पर करनी है। सबसे पहले अमोनिया या उसके डेरिवेटिव को कार्बन कंपाउंड के साथ ऐड करना है, विच इज़ नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब वो जुड़ जाता है तो उसके बाद में हमें वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है तो हमारा एक स्टेबल कंपाउंड हमको मिलता है, तो उसको कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले हम इसका एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। आप ज़रा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये वाला, ठीक है। इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव से करेंगे, ठीक है। हम इसकी रिएक्शन जो है वो किससे करेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव। हम सब ये जानते हैं कि अगर NH2 के साथ में H लगा लूँ तो ये अमोनिया है, और इस हाइड्रोजन की जगह पर मैं अलग अलग ग्रुप, जी का मतलब है अलग अलग कोई ग्रुप होंगे, उनको हम यहाँ लेंगे तो डेरिवेटिव बन जाएंगे। तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जब हम इसको ट्रीट कराएंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से क्या चीज़ बाहर निकल जाएगी। ऐड होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से बाहर निकलेगा, और निकलने के बाद में हमको एक एडक्ट जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखेगा, और यही होगा हमारे पास में इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है नंबर 1 वो ले रहे हैं अमोनिया के साथ। अगर हमारा कोई कार्बन कंपाउंड है और उसकी रिएक्शन हम अमोनिया से करवा दें, H2N, ठीक है, और यहाँ पर हमने G की जगह क्या लिखा हुआ, H, तो ये क्या है हमारे पास में, अमोनिया, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे ये हमने क्या बना ली, यहाँ पर अमोनिया बना ली। आप देखते जाएंगे इसको, ये अमोनिया है। जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हम क्या बाहर निकाल देंगे, इसमें से H2 जो है वो बाहर निकाल देंगे। H2 निकालने के बाद में हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड एन डैश H। ये जो कंपाउंड बना इसको कहा जाता है इमीन, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इमीन। अब जो भी एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा उसको हम इसके पहले लिख देंगे और उसका पूरा नाम लिख लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते तो इसका नाम हो जाता है फॉर्मेल्डिइमीन या फॉर्मेल्डिहाइड इमीन। आप दोनों तरह लिख सकते हो, या तो आप इसको फॉर्मेल्डिहाइड इमीन लिख देना, या आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो फॉर्मेल्डिमीन, तो वो भी अंडरस्टूड है। एसिटाल्डिहाइड होता तो एसिटाल्डिमीन, कीटोन होता तो कीटोन इमीन या कीटीमीन भी इसको कह सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड होता तो बेंजाल्डिमीन उसको लिखा जाता, ठीक है। आप समझ गए इस तरह से, ये हमारे पास पहला केस हो गया। दूसरा जो केस है, हम इस एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हमने लिया हुआ है, ये हमारे पास में एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी है, इसकी रिएक्शन जो है इस H की जगह पर मैं एल्किल ग्रुप जोड़ने वाला हूँ, H2N, और ये हमारे पास क्या आ गया, R, तो इसको लिखा जाता है एल्केनेमीन, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, एल्केनेमीन। जब रिएक्शन हुई क्या बाहर निकला, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, N डैश, और ये क्या हो जाएगा, R, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एल्किल इमीन, एल्किल इमीन, ठीक है ना, या एन एल्किल इमीन भी बोल सकते हैं, एन एल्किल इमीन। और फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो उसके आगे लिख लिया जाएगा। मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड होता और ये आर की जगह मेथिल होता सपोज हमारे पास में, तो नाम क्या बन जाता, फॉर्मेल्डिहाइड एन मेथिल इमीन, एसिटाल्डिहाइड एन मेथिल इमीन। तो इस तरीके से आप बस केवल आपको तो केवल यहीं पर अपने ग्रुप को चेंज करना है। अब वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। आप अंडरस्टूड बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड जो केमिकल रिएक्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन है इसके रिएक्शन, अब देखो इस आर की जगह पर जो है मैं एक अल्कोहलिक ग्रुप जोड़ने वाला हूँ, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप,
तो ये बन जाएगा H2N और ये हो गया हमारे पास OH। जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा और मैं इसको जोड़ दूंगा। अच्छा, NH2OH को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। जैसे ही रिएक्शन हुई तो सी डबल बॉन्ड एन डैश ओ एच, ये जो कंपाउंड बनेगा इसको लिखा जाता है ऑक्सीम। इसको क्या लिखा जाता है, ऑक्सीम लिखा जाता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड होता HH होता तो फॉर्मेल्डॉक्सीम, एसीटाल्डिहाइड होता तो एसीटाल्डॉक्सीम, कीटोन होता तो कीटोक्सीम, बेंजाल्डिहाइड होता बेंजाल्डॉक्सीम। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास में थर्ड वाला। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि गिव द केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म एसीटाल्डॉक्सीम, तो आपको एसीटाल्डिहाइड लेना है और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवानी है। ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब की बार जो हमारे पास जो केमिकल तीन रिएक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आगे बढ़े हम लोग। फोर्थ जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, जो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव था NH2 था ही सही, OH की जगह पर मैं एक और NH2 यहाँ पर जोड़ने वाला हूँ, तो इसको कहा जाता है, दो एमीन ग्रुप आ गए हमारे पास में, इसको लिखा जाता है हाइड्रेजीन। इसको क्या लिखा जाता है, हाइड्रेजीन। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई, हमें दिख रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल को हम इसमें से निकाल देंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन डैश एन एच टू, ये जो बना इसको लिखा जाता है हाइड्रेजोन। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, हाइड्रेजोन। फॉर्मेल्डिहाइड होता तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, एसीटाल्डिहाइड हाइड्रेजोन, कीटोन हाइड्रेजोन, इस तरीके से उसको लिख लिया जाएगा। बहुत सिंपल सा है। फिफ्थ जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन, और इस हाइड्रोजन को हम एक दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हम बेंजीन रिंग से रिप्लेस करने वाले हैं, तो NH2 NH और ये हमारे पास क्या आ गई, बेंजीन रिंग आ गई। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रेजीन। ठीक है, इसका क्या नाम है, फेनिल हाइड्रेजीन नाम है। केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू हुई, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, निकला तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, सी डबल बॉन्ड एन डैश एन एच और ये हमारी बेंजीन रिंग आ गई। अब इसको लिखा जाएगा फेनिल हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन जो है वो इसको लिखा जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। मान लीजिए एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड का था तो नाम आगे जुड़ जाएगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन, एसीटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन, कीटोन फेनिल हाइड्रेजोन, इस तरीके से लिख लिया जाएगा। सिक्स्थ जो इसका जो एग्जांपल है वो हम इसी का डेरिवेटिव ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन कंपाउंड H2N-NH और ये जो बेंजीन रिंग है हम इसकी टू पोजीशन पर NO2 ग्रुप ऐड करेंगे और फोर पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप ऐड करेंगे, तो इसका नाम है 2,4-dinitrophenylhydrazine। ठीक है, 2,4-dinitrophenylhydrazine। ओके, इसको शॉर्ट में जो है 2,4-DNP भी लिखा जाता है, 2,4-DNP भी इसी को लिखा जाएगा। जैसे केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या निकलने वाला है अपना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो सी डबल बॉन्ड N-NH, उसके बाद में बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग की टू पोजीशन पर भी NO2 और फोर पोजीशन पर भी क्या आ जाएगा, NO2। अब इसका नाम हाइड्रेजीन जो है उसको हाइड्रेजोन लिखना पड़ेगा, तो नाम हो जाएगा 2,4-dinitrophenylhydrazone, फेनिल हाइड्रेजोन जो है इसको लिख लिया जाएगा। बाकी एल्डिहाइड कीटोन इसके आगे जुड़ जाएगा और पूरा एग्जांपल बना लिया जाएगा। सेवंथ जो केमिकल रिएक्शन है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। सेवंथ रिएक्शन में हम यूरिया का डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहाँ पर वो भी इसी तरीके से बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यूरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं H2N। ठीक है, और उसके बाद में ये तो आएगा ही सही, फिर आ जाएगा NH, सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या आ जाएगा हमारे पास NH2। इस ग्रुप को अगर आप देख रहे हो तो पहचानोगे तो ये यूरिया है और यूरिया के अंदर हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया NH2 के साथ में, इसको लिखा जाता है सेमी कार्बेजाइड। इसको क्या लिखा जाता है, सेमी कार्बेजाइड कहा जाता है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी हमें दिख रहा है कि आप इस NH2 ग्रुप में से क्या निकाल लोगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लोगे। आप ध्यान रखना जो NH2 ग्रुप दूर है सी डबल बॉन्ड ओ के, वहीं से निकालने आप यहाँ से नहीं निकालोगे, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू एक
क्या है, स्टेबिलिटी रखता है। ठीक है, हम इसको नहीं निकालेंगे। हम इसको निकालने के बाद में क्या देख रहे हैं, सी डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, एन एन एच आ जाएगा, फिर सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एन एच टू आ जाएगा। ये जो कंपाउंड बना उसको लिखा जाता है सेमी कार्बेजॉन। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, सेमी कार्बेजॉन लिखा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजॉन कैसे बनाओगे, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजॉन कैसे बनाओगे, तो ये सब कंपाउंड जो है हम लोगों को बना लेने हैं। अंडरस्टूड बच्चों? अब एक एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लोगे इसकी। तो मैंने यहाँ पर आपको 6 अलग अलग केमिकल रिएक्शन बताई हैं सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको इन 6-7 जो केस हैं इनके अंदर आपको क्या लेना है, एसिटल्डिहाइड लेना है। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है आपको, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3C OH। अब इसकी जो केमिकल रिएक्शन है आपको अमोनिया से भी करवानी है, इसकी केमिकल रिएक्शन जो है एल्किल एमीन, एल्किल देता हूँ मैं आपको, CH3NH2 से भी करा देना आप। इसी की केमिकल रिएक्शन जो है हाइड्रोक्सिल एमीन से भी करा देना। इसी की केमिकल रिएक्शन जो है आप हाइड्रोजन से भी करवाना। इसी की केमिकल रिएक्शन जो है आप फेनिल हाइड्रोजन से भी आप करा दोगे। सिमिलरली जो है आप इसी की रिएक्शन जो है NH2 NH बेंजीन रिंग और ये हमारे पास NO2 2 पे और 4 पे 2-4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन के साथ और लास्ट में H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2 सेमी कार्बोजाइड के साथ। तो हमारे पास कितनी रिएक्शन हो गई, ये 7। तो इन 7 रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो आप जो है मुझे बताओगे कि क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। एसिड कई बार हमारे एग्जाम के अंदर एसिटल्डिहाइड की जगह पर बेंजल्डिहाइड दे दिया जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। एसीटोन दे दिया जाए तो एसीटोन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, और यही केमिकल रिएक्शन आपको पूछी जाती है। एसिटल्डिहाइड आप ले रहे हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिटल्डिमीन बन जाएगा। यहाँ पर एन मेथिल एसिटल्डिमीन बन जाएगा। यहाँ पर एसिटल्डोक्सिम बन जाएगा, जिसका प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी केमिकल रिएक्शन आप लोगों को बता देनी है। एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बनेगा, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन बनेगा, एसिटल्डिहाइड 2-4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बनेगा और एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन इस वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि प्रोडक्ट मैंने क्या क्या बना लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब बात कर रहे हैं हम लोग इसके थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन, उसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब इसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हम लोगों को ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है एसिडिफाइड KMnO4, ये नहीं होगा तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 होगा, या एसिडिफाइड Na2Cr2O7 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ब्रोमीन वाटर भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है हमारे पास में, ब्रोमीन वाटर भी हो सकता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में Ag+ ion हो सकता है या Cu+ ion कोई भी हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें कार्बन ग्रुप के पास में क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है। इस वजह से यहाँ पर इसका जब भी ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH में। यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत इजी होता है और इजी होगा तो ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एज ए प्रोडक्ट हमको देगा। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास में क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिनको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं इसी में अलग अलग एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो सॉरी। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास में ए रिएक्शन जो है मैं यहाँ लेने वाला हूँ। ए रिएक्शन का नाम है टोलेन। ठीक है, या अब इसमें आपने देखा कि एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो एल्डिहाइड है उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा रिडक्टेंट। ठीक है, तो वो क्योंकि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या कहा जाता है, रिडक्टेंट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर जो इसका जो रिडक्शन कर रहे हैं या हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोलेन रिएजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो टोलेन रिएजेंट क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, TR। टोलेन रिएजेंट क्या है? अमोनिकल अमोनिकल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को क्या लिखा जाता है? टोलेन रिएजेंट लिखा जाता है। अब अमोनिकल का मतलब यह है कि अमोनिया को वाटर में घोल देते हैं तो वहाँ पर बन के आता है NH2OH। ठीक है, और इसके साथ में आप क्या ले सकते हो? AgNO3, तो यह भी लिखा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय टोलेंस रिएजेंट, तो आप क्या लिख सकते हो? अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन लिख सकते हो, या अमोनिकल का मतलब है अमोनिया को वाटर में घोला तो ये बन जाता है NH2OH। ठीक है, और AgNO3 KNO3 इन दोनों की केमिकल रिएक्शन से एक इंटरमीडिएट बनता है या एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है, तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा AgNH3 का होल टू और इस पर चार्ज आ जाता है प्लस। ठीक है, या इसके साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो वो भी लिखा जा सकता है। तो आपके बात समझ में आ गई, और मैं इसको एक लिख लेता हूँ AgNH3 का होल ट्वाइस और इसके पीछे क्या लिख लूँ मैं? OH लिख लेता हूँ। तो या तो आप ये लिख के बता दोगे या आप ये लिख के बता दोगे, तो ये हमारे पास हो गया। अब ज़रा केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एल्डिहाइड है, अब इसके अंदर मैंने ये टोलेंट रिएजेंट डाला हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ AgNH3 का होल ट्वाइस और ये क्या आ गया? OH। इसको केमिकली बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से क्या कर लिया बच्चों? मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 2 हैं। एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो ये एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्लस ये जो 2Ag है वो इसमें से अलग हो जाएगा, तो 2Ag जो है सॉलिड फॉर्म में एज ए प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसको कहा जाता है सिल्वर मिरर। इसको क्या लिखा जाता है? सिल्वर मिरर। ठीक है, तो ग्रे कलर का जो है आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक, उसके अलावा अब आप देखिए अमोनिया नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास में 4 मोल्स ऑफ अमोनिया भी यहाँ बन गई। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास में? 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 1 मोल मेरे पास क्या बच गया? H2O बच गया। तो ये जो सिल्वर मिरर बना हमारे पास में, इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है किसके अंदर? एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो सिंपल सी रिएक्शन थी। R आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एसिड एल्डिहाइड समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, आप सबको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ में हमारे पास में जो इसका बी पार्ट है उस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है वो भी आ रहा है, इम्पोर्टेंट है वो भी। ऑक्सीडेशन बाय फैलिंग्स रिएजेंट। ठीक है ना, अब फैलिंग रिएजेंट क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछता है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, फैलिंग रिएजेंट जो होता है बच्चों, ये जो है 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। जो फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो होता है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो है एक्वस सॉल्यूशन होता है। और बी जो होता है हम इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है उसको कहा जाता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। रोशेल्स सॉल्ट भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन जब होती है तब क्या होगा वहाँ पे? जब इनकी केमिकल रिएक्शंस होगी तो वहाँ पर कुछ ये इस तरीके का होगा। ज़रा देखिए, यह आपके पास में कोई एल्डिहाइड कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई? ये दोनों जब क्रिया आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है, CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो है ये हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है ये। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम है? 4 ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम को मैं इधर दे दूंगा तो जैसे जोड़ दूंगा मैं इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके अलावा मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो कॉपर है
ये कॉपर यहाँ कितने कॉपर है मेरे पास, दो कॉपर हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, चार ऑक्सीजन थे, एक इधर जा चुका है, एक इसके साथ आएगा तो मुझे मिल जाएगा Cu2O। अब मेरे पास यहाँ बचे हुए हैं दो ऑक्सीजन एटम और चार हाइड्रोजन, तो मुझे मिल जाएगा 2H2O, ये मुझे मिल जाएगा। ये जो बना इसको लिखा जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड लिखा जाता है और इसका कलर होता है रेड ब्राउन कलर, ठीक है। तो रेड ब्राउन कलर का आ जाना ये बताएगा कि हमारी जो फेलिंग रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में हो चुका है, कीटोन में हो चुका है। बच्चों टॉलेन रिएक्शन और फेलिंग रिएक्शन जो है ये मेनली हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, एल्डिहाइड के लिए, आप कीटोन के लिए उस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है। ये आप बात समझ में आ गई होगी, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, हम लोग प्रैक्टिकल में भी इसको करके देखेंगे। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन कलर का आना ये बताएगा कि फेलिंग रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारा एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे पास में जो इसकी जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए, वही ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहैलाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOX, X हमारा हैलोजन एटम है, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर और इसी रिएक्शन को एक और नाम दिया गया है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो जरा क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर जो मीडियम है वो कैसा लिया हुआ है, बेसिक मीडियम लिया हुआ है, NaOH के साथ हो रही है। तो आप क्या देखोगे कि एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन एटम है, वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे तो 3HCl तो बाहर निकल जाएगा, रिमेनिंग 3 क्लोरीन एटम को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, CCl3CHO। इस कंपाउंड को लिखा जाता है क्लोरल, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, क्लोरल, HCl बाहर निकल गया। अब मैं इसी को वापस लेके आ रहा हूँ कि हमारे पास ClC खोल लेते हैं हम इसको, ये भी Cl है और ये क्या बच गया, CHO। अब इसकी रिएक्शन जो है हम किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे हैं, कंटिन्यू हुई ये रिएक्शन। आपको ये जो रिएक्शन का जो ये बॉन्ड है कार्बन और एल्डिहाइड वाले कार्बन का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन करना है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ लिंक हो जाएगा, इसके साथ लिंक होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगी यहाँ क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो हमारा यहाँ मेन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बन के आता है, क्लोरोफॉर्म बन के आता है, प्लस हमको एक यहाँ पर क्या मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट HCOONA सोडियम फॉर्मेट जो है, हमको यहाँ पर क्या मिल गया, एक सॉल्ट मिल गया। लेकिन हम इसकी रिएक्शन अगर HCl से करवा दें तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, फॉर्मिक एसिड जो है वो एज ए प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी हमारे पास में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो फोर्थ रिएक्शन है उसका नाम क्या है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइंटिफिक नेम है इसलिए हमें इसको याद रखना पड़ेगा। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में हमको क्या करना है, कोई भी एल्डिहाइड लेना है या हमारे कीटोन के साथ भी आएगी, इसकी रिएक्शन हम पर एसिड के साथ करेंगे, जैसे पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जैसे बोला गया पर बेंजोइक एसिड तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5C OOH, ठीक है, ऐसे लिखा गया पर एसिटिक एसिड, सेम यही फॉर्मूला होगा CH3 आ जाएगा। तो हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी, पर एसिड के साथ कर दी, तो मैंने इसको लिख लिया R-C OOH, ठीक है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू हुई तो ये वाला जो ऑक्सीजन आइटम है वो निकल करके इसके साथ आ जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, R-C OOH। तो हमारा जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको कहा गया है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। कितने रिएक्शन हो गए हमारे पास में, चार रिएक्शन हो चुकी है। हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन है ई, इसको लिखा जाता है रिडक्शन बाय, यानी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर बात आ जाती है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, ये हमको ध्यान रखना है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट होगा
और इसके साथ में सोडियम सिट्रेट होगा। इसके साथ में क्या होगा? सोडियम सिट्रेट जो है वो इसके साथ लिया जाएगा, जिनकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है, ठीक है, सोडियम सिट्रेट, और एक और होगा सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। तो इन तीनों चीज़ों का क्या है, ये मिक्सचर है। हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो कुछ रिएक्शन ऐसे होती है, मान लीजिए हमारे पास में एल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन जब इसके साथ हुई तो यहाँ पर होता है कॉपर ऑक्साइड। इन सब की रिएक्शन से क्या बन के आता है, ये जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड बन के आता है। बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, और ये क्या बना लेगा, Cu2O। इसका भी कलर कैसा आएगा, रेड ब्राउन कलर आएगा, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। और इसकी जो F रिएक्शन है वो भी बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके साथ में, ऑक्सीडेशन बाय शिफ्ट रिएजेंट। तो शिफ्ट रिएजेंट के साथ में इसका क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। अब शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है, रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसी को क्या लिखा जाता है, शिफ्ट रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास में कोई एल्डिहाइड कंपाउंड है, इस एल्डिहाइड कंपाउंड के साथ में हम क्या मिलाने वाले हैं, रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड को मिलाएंगे और इसके अंदर हम फ्लो करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसमें हम क्या फ्लो करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो फ्लो करेंगे। तो फ्लो करने से ये जो कलर है इसका वो कलरलेस है, ये तो कलर कैसा था इसका, कलरलेस। तो कलरलेस से ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, और इसी कलर के आने से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एल्डिहाइड है उसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। कल वाली क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे कीटोन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।